आज हम दोस्तों कुछ एनालिसिस करेंगे टाटा पावर और टोरेंट पावर के बीच में, क्या जो है कि दोस्तों कौन सी कंपनी बेटर रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, किस में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों देखिए टाटा पावर ने दोस्तों पिछले एक महीने में 7.27% का जो है कि रिटर्न दिया है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है पिछले एक महीने। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को हिट करें, पहले लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, दोस्तों पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अब 6 मंथ में जो है कि दोस्तों टाटा पावर ने -9.20% जो है कि रिटर्न दिया है माइनस में। जी हाँ दोस्तों, कभी 6 मंथ में तो दोस्तों ये नेगेटिव है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अगला जो है कि ईयर टू डेट में जो है कि दोस्तों ये 5 ईयर्स में, अगले 5 ईयर्स में जो कि पिछले 5 ईयर्स में 170.01% का जो है कि रिटर्न दिया, जो काफ़ी बेटर है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस टाटा पावर का जो है कि पी रेशियो देखिए 33.02 है ना, इसका पी रेशियो, इस शेयर का पी रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इसका फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू। दोस्तों इसका ईयर 2022 का देखिए दोस्तों 15.41% जो है कि बढ़ा है। जी हाँ, नेट इनकम देखिए दोस्तों, नेट इनकम 28.04% बढ़ गई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 11.08% में जो है कि ग्रोथ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों इस स्टॉक के लिए जो बढ़ोतरी हुई। अब दोस्तों हम देखते हैं टोरेंट पावर का, इसने 1 मंथ में 5.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों, 1 मंथ में, जो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब पिछले 6 महीने में इसने -14.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों इसने। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 मंथ में, ईयर टू डेट में भी दोस्तों इसने -10.41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों इसने, टोरेंट पावर ने दोस्तों, आप देख सकते हो। और पिछले 5 ईयर्स में 175.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों इसने, जो काफ़ी अच्छा है। इसका पी रेशियो देखिए 52.62%। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल हो गया दोस्तों, रेवेन्यू देखेंगे आप दोस्तों इसका, तो रेवेन्यू दोस्तों 21.38% जो है कि बढ़ा है इसका। इसका नेट इनकम देखिए दोस्तों, माइनस बता रहा है, रेड में बता रहा है, 222.95% है ना। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 201.32% मार्जिन माइनस बता रहा है दोस्तों, तो ये जो है कि दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही बुरा दोस्तों होता है दोस्तों, ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, कस्टमर के, कंपनी के। तो अब हम देखते हैं दोस्तों दोनों में जो है कि क्या डिफरेंट है और कौन सा बेटर है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है टाटा पावर ने दोस्तों जो अपना जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कदम रखा है टाटा पावर ने, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बना रही है जो, तो इसमें जो है कि काफ़ी ग्रोथ मिल सकता है। तो दोस्तों टाटा पावर कंपनी जो है ये दोस्तों अभी फ्यूचरिस्टिक जो कि एक स्टॉक बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाला फ्यूचर दोस्तों उसको वो कैप्चर कर रहा है, अभी से जो है कि रेडी कर रहा है अपने आप को दोस्तों, तो ये काफ़ी तेज़ी से जो है कि और आगे बढ़ सकता है टाटा पावर, मुझे बेटर लग रहा है दोस्तों। लेकिन ये आपकी राय है, आपको क्या बेटर लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको कौन सा बेटर लगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सा स्टॉक बेटर है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बता देना। और ज़रूर पहले आप एनालिसिस कीजिए और फिर जो है कि डिसीजन लीजिए। मैं सिर्फ ये एजुकेशन की